जीवन में सुखी व स्वस्थ रहने के मूल मंत्र। नंबर एक, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिनके पास संतोष है वही ही सुखी और सबसे समर्थ है। नंबर दो, इस दुनिया में गरीबों को कम पड़ता है इसलिए वह दुखी है और धनवान को ज़्यादा इसलिए वह दुखी है। नंबर तीन, यदि इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ जाता है और यदि इच्छा पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ जाता है। नंबर चार, इस संसारिक जीवन में सबसे खुश व्यक्ति वह है जो अपने घर में शांति महसूस करता है। नंबर पाँच, शांति घर की लक्ष्मी है और पैसा घर का अतिथि है। व्यवस्था घर की शोभा है, समझना घर की खुशी है। नंबर छः, माँ बाप की मिल्कियत में सब हिस्सा मांगते हैं लेकिन माँ बाप की सेवा में कोई हिस्सा नहीं मांगता है। नंबर सात, यदि आप अपने बच्चे को पैसा नहीं देते हैं तो वह थोड़े समय के लिए रोएंगे लेकिन अगर आप समय और संस्कार नहीं देते हैं तो आप पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। नंबर आठ, रोटी खाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन परिवार के साथ बैठकर खाना बहुत बड़ी बात है। नंबर नौ, जीवन में हर व्यक्ति पर दर्द दुख आना अनिवार्य है लेकिन दुख में दुखी होना आपके लिए जरूरी नहीं है। नंबर दस, वह व्यक्ति जो अतीत को बार बार याद करता है, भविष्य को लेकर चिंतित है, वह वर्तमान में कभी भी खुश नहीं रहता। नंबर ग्यारह, हर माँ उसकी ससुराल गई बेटी के साथ जैसा व्यवहार रखती है वैसे ही घर आई बहू के साथ व्यवहार रखे तो इस संसारिक जीवन के आधे दर्द कम हो जाएंगे। नंबर बारह, पैसे कमाने के लिए स्वास्थ्य को बिगाड़ना और बाद में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। नंबर तेरह, आधा दुख गलत लोगों से एक उम्मीद रखने से होता है और बाकी के दुख सच्चे लोगों पर शक करने से होता है। नंबर चौदह, अच्छे दिन खुशी लाते हैं और बुरे दिन अनुभव लाता है। एक सफल जीवन के लिए दोनों अनुभव आवश्यक है। नंबर पंद्रह, खुश रहने का मतलब यह नहीं कि कोई समस्या नहीं है लेकिन इसका मतलब है कि आपने कठिनाई से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। नंबर सोलह, अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें जिसे आप सुधार नहीं सकते और सामने वाला इसे भूल ना सके। नंबर सत्रह, वह तब तक सुरक्षित है जब तक वह परिवार से जुड़ा है। नंबर अठारह, स्वाद छोड़ दे तो शरीर को लाभ है और विवाद छोड़ दे तो रिश्ते को लाभ है। नंबर उन्नीस, इस दुनिया में कोई भी आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है। आपका व्यवहार और स्वभाव ही दोस्त और दुश्मन पैदा करता है। नंबर बीस, गलती को बचाने से गलती को कबूल करने में कम समय लगता है। नंबर इक्कीस, यह आश्चर्यजनक है कि लोग अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सुधार नहीं करना चाहते। नंबर बाईस, अपनी सैलरी के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इज्जत ध्यान में रखने से खर्च करने की गलत आदत से सब लोग दुख देते हैं। नंबर तेईस, ईश्वर हमारे जीवन में सुख और दुख लाते हैं लेकिन माता पिता सुख ही देते हैं। नंबर चौबीस, हमारे धर्मगुरु पत्थर में भगवान को समझाने में सफल रहे लेकिन माता पिता स्वयं भगवान के स्वरूप को समझाने में असफल रहे। नंबर 25, यदि अतीत में कोई त्रुटि है तो व्यक्ति को अपने वर्तमान में सुधार करना चाहिए और भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। नंबर 26, भाई साथी दोस्त और भगवान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाला हमेशा फायदेमंद रहता है। नंबर 27, लोगों में खूबी और खामी दोनों होती हैं। आप लोगों में क्या देखते हो यह महत्वपूर्ण है। नंबर 28, जो लोग अपने काम पर भरोसा करते हैं वे नौकरी करते हैं लेकिन जो लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं वह व्यवसाय करते हैं। नंबर 29, भूल हमारी पीठ की तरह है
दूसरों को दिखाई देती है लेकिन खुद को नहीं। नंबर 30, हमें अपने माता पिता की जितनी जरूरत बचपन में होती है उतनी माता पिता को अपने बुढ़ापेपन में हमारी जरूरत होती है। नंबर 31, कोई बीमारी ना हो तो भी अगर नींद नहीं आती है, इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर कोई काम करना रह गया है तो ना करने का काम कर दिया हो तो। नंबर 32, जीवन से जो मिला है उससे संतुष्ट रहें और खुश रहें, क्योंकि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वह जीवन जीना लाखों लोगों की इच्छा है। नंबर 33, इन चारों में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में, बुजुर्ग माता पिता और साधारण जीवन जीने में। नंबर 34, माता पिता पर इतना भरोसा रखें जितना आप दवा पर रखते हैं। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन यह आपके लाभ के लिए होगा। नंबर 35, दो अक्षर लक के ढाई अक्षर, भाग्य का तीन अक्षर, नसीब का 3.5 अक्षर, किस्मत के यह सभी अक्षर 4 अक्षर मेहनत की तुलना में छोटे हैं। नंबर 36, जीवन को जरूरत के मुताबिक जिए, शौक के अनुसार नहीं, क्योंकि जरूरत गरीबी में भी पूरी हो जाती है और शौक राजा का भी अधूरा रह जाता है। नंबर 37, जीवन में दो चीज सफलता निश्चित करती है। जब आपके पास कुछ नहीं है तब आपका मैनेजमेंट, और जब सब कुछ होता है तब आपका व्यवहार। नंबर 38, भाग्य आपके हाथों में नहीं है लेकिन निर्णय आपके हाथों में है। भाग्य आपके निर्णय को नहीं बदल सकता लेकिन आपका निर्णय भाग्य को बदल सकता है। नंबर 39, जिसका स्वभाव अच्छा है उसको दिखावे करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 40, अगर जीवन में कभी भी बुरे दिन का अनुभव होता है तो बस ध्यान रखें कि दिन बुरा था न कि जीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, तो मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।